जल्दी से क्विक रूम में रेडी करूँ और फिर मैं सच बताओ ना। मेरी चाय भी आ गई और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से एग्जाम। ड्रेस जो मेरे रखे हुए थे तो फाइनली आ गए। बता रहे ये दिया है बट दिया से फूल निकलता है। अस्सलाम वालेकुम और आप सभी का आज तक स्वागत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भी खैरियत से होंगे और आप सबके लिए दुआएं हैं और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो आज मॉर्निंग हो गई है तो मॉर्निंग में अब जल्दी से मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट अल्फा आया का, क्योंकि इन लोगों का एग्ज़ाम भी चल रहा है तो अभी थोड़े से लेट से स्टार्ट है उन लोगों का शेड्यूल। तो जल्दी से क्विक मैं रेडी करूँ और फिर मुझे उठाना भी है, उनको रेडी भी करना है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में नींद टूटने के बाद ना बच्चे लोग थोड़ा सा ये हो जाते हैं। तो खैर जल्दी से मैं उन लोगों को उठा देती हूँ और उसके बाद मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट भी उन लोगों का बना देती हूँ और आप मेरे साथ ऐसे ही आज बने। आयरा बताओ, सच बताना, झूठ नहीं बोलना, एग्जाम कैसा गया सच बताओ। अच्छा गया। क्या क्या क्वेश्चन पूछी मिस, जल्दी बताओ। मिस पॉली के व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज आयरा और हाउ ओल्ड आर यू। आई एम 4 इयर्स ओल्ड। इन व्हिच क्लास यू स्टडी। आई स्टडी इन क्लास केजी। व्हाट इज योर स्कूल नेम। वो सब पूछी और मैं क्वेश्चन दे दी। आप क्वेश्चन का आंसर दे दी। यस। सच बताओ ना। सच्ची। सच बताओ ना। सच बता। सच बता। सच बता। सारे क्वेश्चन का आंसर दिया सच में? यस। हाँ? यस। पक्का? पेपर का जो मिला था सारा। सच में? देखो देखो सच में ना। हाँ। पक्का? सच में। पक्का? पक्का। और हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछी? हिंदी में बस बोली कि आमों का वो अच्छा जब पक्षी का नाम जो मोर रहती है और सब का नाम पूछी। तुम सच बताओ आंसर दिया है कि नहीं दिया है? सच में। नौटंकी की दुकान। चुप हो जा। नौटंकी की दुकान है। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और उसके बाद खाना खा लो। खाना खा। छी या। अच्छा 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 सुनो तो। अरे तो इसमें रोना क्यों? अच्छा 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 है। हैंड दो हैंड दो। ये पक्का अभी देंगे मम्मी। लेकिन अभी देखो स्कूल से आए पूरा कैसा गर्मी गर्मी से लग रहा है। कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर। आ जाओ मेरा बच्चा। अरे आ जाओ ना। ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है। आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ पक्का पक्का। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। बेटी के पास अच्छे से लिखना, कॉन्फिडेंस के साथ लिखना, बस ये चीजें हैं, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। डैडी लेने क्यों नहीं आए? नहीं अभी डैडी को वहाँ काम था इसलिए डैडी चले गए। ठीक है। अच्छा, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फिर रेडी हो जाओ। चलो अरिस्ता का सफर। माशाल्लाह सच में ये महीना 10 दिन बहुत जितना भी आप अपने मगफरात करा सकते हो, आप जितना अस्तगफार पढ़ सकते हो, जितना आप तलावत कुरान कर सकते हो, मंथ है ना माशाल्लाह। पता नहीं, बस अल्लाह से दुआ है कि जल्दी से हमें भी हज और उम्रा नसीब करे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है कि मेरी एक तमन्ना है वो है कि मैं रमज़ान पूरा मंथ मैं वहीं रहूं। ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है, बस अल्लाह उसे पूरा करे। ये चीज़ें हैं मेरे अंदर बहुत टाइम से कि ख्वाहिशें पूरी हों और सभी की दिली जो ख्वाहिशें हैं हज को लेके, उम्रा को लेके और वहाँ जाने के लेके, तो अल्लाह सबकी चीज़ें ये पूरी करें। वीडियो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अदर कंट्री के हैं, मुझे मैसेज करते हैं इंस्टा में। तो प्लीज़ अगर आप लोग मुझे देख रहे हो या आपकी फैमिली से कोई गए, प्लीज़ दुआ में याद रखें। बहुत ज़रूरत है मुझे आप सभी की दुआओं की। मेरी बेटियाँ हैं ना, क्या लेके आई है, क्या लेके आई है बेटा? ये बनाया है आरफा ने। ओह ये क्या है? सैंडविच। सैंडविच बनाया है मेरे लिए और आयरा के लिए। आयरा के लिए और अपने लिए। तो इसने खुद से बनाया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने से बनाया।
बेटियां सच में बहुत अब नेमतें टेस्ट होती है ना। करके बताओ। अच्छा बनाया। और इसमें थोड़ा सा खीरा होगा, टमाटर टमाटो वगैरह दे देते हैं तो हाँ जस्ट लाइक ए बर्गर। मेरा लाइफ है, पूरी चीज़ें नहीं देखा पाती हूँ क्योंकि मेरा बाकी टाइम भी, मैंने बताया है जो मुझे देख रहे हैं शुरू से, कि मेरा बाकी टाइम भी मेरा वर्क में जाता है, मेरा काम पे जाता है, तो मेरा वो भी चीज़ें हैं। और फिर वहाँ से जो टाइम मिलती है, जो मैं फ्री टाइम होती हूँ, तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा सारा टाइम मेरा ऑरिफ्लेम में जाता है बाकी टीम मेंबर्स के साथ। और फिर घर में बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं, जब बच्चे होंगे तो उनको टाइम देना है, ज़रूरी है, वो भी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको वो भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब है ना, बड़ा टाइम निकालना हर चीज़ों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना है ना। The next day. और मेरी चाय भी आ गई है, तो मैं जब तक चाय पी लेती हूँ उसके बाद मैं पायरा को उठा देती हूँ। और आयरा भी उठ गई। वालेकुम अस्सलाम। चलो आजा 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 मेरा बच्चा, आजा 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 आजा। अब आयरा जल्दी से उठ गई है और अब जल्दी से रेडी हो जाएगी है ना। हाँ चलो। वालेकुम अस्सलाम। और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइएगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। अब बस आ रही है, ठीक है। जल्दी से रेडी कर रही हूँ पराठे, क्योंकि अभी शॉर्ट जी चले जाएंगे अपने काम पे, तो मैं रेडी कर रही हूँ पराठे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो इतने दिन के बाद, बुलाने के बाद ना, फाइनली आज मेरा टेलर आया है और आज मैं इनको नाप दे रही हूँ। ये देखो, ये वाले ड्रेस जो मेरे रखे हुए थे, तो फाइनली आज मैं इनको दे रही हूँ। और ये मेरे घर के टेलर हैं, जो बहुत, मैं इनको बहुत दिमाग ख़राब करती हूँ इनका, और ये बहुत जैसे बताती हूँ वैसे मेहनत करके ये मेरे को ड्रेस बना के देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, लेकिन थोड़ा प्यार से दे रही हो, बना के मेरे को दे देना, ठीक है। तो ये वाला आपको बता दिया कैसे डिजाइन देना, और बाकी लेस वगैरह दे देते हैं, तो आप उनको कंप्लीट करके दे देना, ठीक है। ये इनके कंपनी की तरफ से आया था, तो ये रखा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ ना कि अब मैं इसका ना लगा ही देती हूँ पौधा, है ना। और ये दिवाली में आई थी तो मैंने ये नहीं लगाई थी, तो ये टाइम देखती हूँ कि फूल आते हैं कि नहीं आते हैं, और मेरा गमला में रेडी करती हूँ। और ये है ना, ये मैं दिया में एब्जॉर्ब कर रही हूँ, कि इसमें पानी पड़ने के बाद है ना, ये दिया सारा कलर उलर अपना छोड़ दे रहा है। ये देखिए, दिखाती हूँ, ये देखिए मिट्टी कच्ची मिट्टी है, और फिर इससे बीज ये अपना काम करना शुरू कर देगी। और जैसा कि मैं हमेशा की तरह छत पे आती हूँ और आ गई हूँ। आयरा आज बताओ मुझे कि आज स्कूल में कौन सा स्टोरी आज आपने सुनाया, जरा मुझे फिर से सुनाओ। टू सिली गर्ल्स। The other silly goat was on the other side. When they came to the middle of the bridge, they both began to fight. As they were fighting, both of them fell into the water and were drowned. The moral of the story is foolishness is always funny. Foolishness is always funny. वाह मेरा बच्चा। तो आपको मिस क्या की फिर सुनाया, तो ये बताओ। फिर बोली कि clap your hands. वाह 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 वाह, मजा आया फिर स्कूल में। yes. बहुत। वायरा ने देखा कितना अच्छा से स्टोरी सुनाया, और सच में ये जितनी नटखट है ना, उतना प्यार भी बहुत करती है, और बहुत कुछ फॉलो भी करती है, अच्छे अच्छे से याद भी करती है, राइम्स भी याद करती है, स्टोरी भी याद करती मेरे को है। तो सारा राइम्स पता है, आई हियर कंडर, टेन रोजी एप्पल, पीजी सौंदर्य, लेफ्ट टू द विंडो। और आयरा को बहुत सारी पोयम स्टोरी वगैरह याद है, है ना। तो यही, अब सूरज एकदम ढल चुके हैं, एकदम अब रोशनी बिल्कुल धीमी हो गई है,
तो मैं ऊपर से आ गई नीचे, क्योंकि आयरा भी बहुत परेशान कर रही थी और अंधेरा भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं नीचे ही जाके जो रेस्ट वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ, एंड कर देती हूँ वीडियो का। और हाँ, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को प्लीज़ स्किप कर करके ना देखें, बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि मैंने हर वीडियो में कहा कि आप सभी का प्यार का, सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़ बहुत सारा प्यार दें। और ये महीना जो चल रहा है, प्लीज़ अस्तग़फ़ार पढ़ें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह से दुआ है हमारी कि अल्लाह सभी की मग़फ़रत अता फरमाए और सभी की परेशानी को दूर करें, सबके मसले को हल करें। जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां हों, जिनकी रोज़ी में बरकत नहीं है अल्लाह उनकी रोज़ी में बरकत दे, बहुत सबकी परेशानी दूर करें अल्लाह। जिनकी जो सेहत नहीं है, जिनके वालिद वालदा बीमार है अल्लाह उनके सेहत आफ्ता दे और सबकी परेशानी ख़त्म हो। बस इसी उम्मीद से मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तो प्लीज़ अपनी दुआओं में हमें भी शामिल रखें और बहुत सारा प्यार दें और मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करें ताकि मैं और आगे जा सकूँ। और मैंने मेरे इसके पीछे बहुत सारा कुछ मकसद भी छिपा है, तो वो चीज़ें मैं पूरी कर पाऊँ, तो वो सारी चीज़ें जब मैं आगे बढ़ूँगी तो वो सारी चीज़ें भी आएंगे सामने। तो खैर, दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखें। छत पे आ गई फिर से, है ना? आ, आ।